हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फन विद मैग्नेट्स। क्लास सिक्स का ये है, ठीक है। क्लास सिक्स साइंस का ये चैप्टर आपका 12 है, फन विद मैग्नेट्स। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मैग्नेट के बारे में। तो एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट किसको बोलते हैं? मैग्नेट जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, मतलब जिसके साथ वो चिपक जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो आयरन उसके साथ आता है, कोबाल्ट उसके साथ है, निकल जो है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स। खासकर अगर आप देखेंगे तो मेटल्स जो हैं वो इसके साथ क्या करते हैं, मेटल्स जो हैं वो इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। सुनाई दे रहा है? ओके। सो नेक्स्ट, यहाँ पे मैग्नेट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आता आपका नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेट विच इज़ फाउंड नेचुरली इज़ कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। वो मैग्नेट जो नेचुरली हमें मिल जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होता है बनावटी, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाएगा। मैग्नेट विच इज़ मेड बाई ह्यूमन्स इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। तो मैग्नेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स। एक्चुअल में ये जो मैग्नेट्स होते हैं इनकी शेप की वजह से इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मैग्नेट्स जो हैं उनको डिफरेंट शेप्स में हम बनाते हैं। सो एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप, और उनकी शेप के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया जाता है। जैसे बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट की बात करेंगे तो बार मैग्नेट कैसे होता है, इस तरीके से इसको बार बोलते हैं। और ये जो उनके बार की शक्ल है तो इसके लिए इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। अब डम्बल शेप्ड मैग्नेट भी होता है, डम्बल शेप्ड मैग्नेट अगर आप देखो डम्बल शेप्ड मैग्नेट कैसा होगा, डम्बल शेप्ड मैग्नेट ऐसा होता है, बीच में ऐसे सीधा जैसे डम्बल होता है, बस एज इट इज़ इसको। फिर उसके बाद होता है हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो किस तरीके का होगा, हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, ये है हॉर्स शू मैग्नेट। फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट किस तरीके का होगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होता है वो इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ये वाला पूर शक्ल उसकी होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन को बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हो गए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनको जो है वो मैग्नेट जो है, जो चुंबक उसको उर्दू में बोलते हैं, जो उसको अट्रैक्ट, जिनको वो अट्रैक्ट नहीं करता उसको बोलते हैं हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, वुड है, रबर है, इनको जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेट की, तो पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के एंड पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये अगर एंड है मैग्नेट के, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है, उन पोल्स का नाम है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं। द मैग्नेटिक पावर इज़ कंसंट्रेटेड ऑन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो होती है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेट चिपकता है वो एंड्स पे चिपकता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो वहाँ पे क्राउडेड होती हैं, बहुत एक साथ होती है। लेकिन व्हेन अ बार मैग्नेट इज़ सस्पेंडेड टू मूव फ्रीली, ठीक है, जब बार मैग्नेट को आप किसी चीज़ के साथ, मान लीजिए आपने उसको धागे से बांधा है और आप उसको लटकाते हो, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉइंट कहाँ करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा रहेगा, ठीक है। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल जो मैग्नेट का होगा वो साउथ की तरफ रहता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पोल्स ऑफ द मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे अनलाइक पोल्स, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पे एस और यहाँ पे एन, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, जहाँ पे डिफरेंट पोल्स होते हैं वहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट मतलब चिपक जाते हैं। लेकिन जहाँ पे सेम पोल्स आते हैं वहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल, लाइक पोल्स जो हैं वो रेपल करते हैं, रेपल का मतलब होता है वो एक दूसरे को भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो मैग्नेट कहाँ यूज़ होता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, सबसे पहले आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास में जो निडल लगी होती है उसमें ही उसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल। क्यों उसको इसलिए मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, क्योंकि वो भी जब हम उसको बिल्कुल रेस्ट में रखेंगे तो वो भी हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन दिखाती है।
तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो सिंपल डिवाइस है विच हैज़ बीन यूज्ड, जिसको यूज़ किया जाता है सिंस एजेस, सो टू फाइंड डायरेक्शंस, मतलब बहुत पुराने समय से इसको यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए. सो मैग्नेटिक कंपास वाज डिस्कवर्ड इन एंशंट चाइना, तो एंशंट चाइना में डिस्कवर्ड किया था एंशंट चाइना अंदर. द सेलर्स एंड ट्रैवलर्स फाउंड मैग्नेटिक कंपास वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शंस. एक्चुअल में जो सेलर्स होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं, उनको जो नई जगह पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको पता नहीं चलता कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो वहाँ पे उस डायरेक्शन को वो देखते हैं. मैग्नेटिक कंपास इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल बॉक्स, वो एक स्मॉल बॉक्स की तरह होता है विद अ ग्लास टॉप, और उसका जो टॉप होता है वो गिलास से बना होता है, गिलास मतलब शीशा, ट्रांसपेरेंट होता है. द मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड ऑन अ पाइवट अराउंड विच इट कैन रोटेट फ्रीली, और मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो उसमें होती है. यहाँ पे देखिए, ये आपका कंपास है, ये नीचे एक बॉक्स है और ये ऊपर से इसका क्या है, ये शीशा है, ठीक है, मतलब जिसमें से आपको दिखेगा, ये नीडल आपको दिखेगी. देखो ये जो नीडल होती है इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि नॉर्थ की तरफ कौन है और साउथ और नॉर्थ आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. जब आप इसको एक जगह रखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो नॉर्थ और साउथ में रहती है. मान लीजिए ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो इसको अपोजिट में ही आपको ईस्ट और वेस्ट मिल जाता है, ठीक है. सो इसीलिए इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी किस तरीके से रहती है, नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है. तो इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी इसमें उतना कुछ खास नहीं है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो थैंक यू.